खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आरिफवाला में चंद रोज कबल होने वाले मोहम्मद अरशद नामी शख्स के कत्ल का मुतासरा खानदान को इंसाफ न मिल सका। मुतासरा खानदान की अलहुकाम से नोटिस की अपील। मजीद तफसील जानते हैं हम अपने नुमाइंदा मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक आरिफवाला के नवाही गांव चक नंबर 88 EB में मोहम्मद अरशद नामी शख्स को कत्ल करके लाश को दरख्त के साथ लटका दिया था ताकि इस कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा सके। मोहम्मद अरशद के घर वालों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चंद रोज कबल मोहम्मद फरूक ने हमारे बेटे अरशद पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि अरशद के मेरी बेटी के साथ नजायज तलकात हैं, लेकिन गांव के लोगों ने पंचायत में बैठकर दोनों फरीकैन की आपस में सुलह करवा दी थी, लेकिन मोहम्मद फरूक ने अपने दिल में रंजिश रखकर मौका आने का इंतजार किया और वक्त आने पर मोहम्मद अरशद को कत्ल करके लाश को दरख्त के साथ लटका दिया। लवाहिकीन का मीडिया से बात करते हुए बयान दिया कि हमारे साथ सख्त ज्यादती हुई है और हमारे साथ पुलिस कोई तावन नहीं कर रही और मजीद कार्रवाई करने पर मुलजमान हमको संगीन नतीजे की धमकियां दे रहे हैं। ताहम पुलिस ने अभी तक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया और ना ही कोई कार्रवाई की है। मुतासरा खानदान की आला काम से नोटिस की अपील है। जी